मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को मन की बात कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं। देश में पॉजिटिव माहौल बनाने में मन की बात की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, देश इस जीत से गौरवान्वित है। सूर्या का कैच अद्भुत था, बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की, विराट ने विराट पारी खेली, रोहित ने शानदार कप्तानी की। सुनिए भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या बोले। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस की बैठक के साथ साथ विधानसभा के सत्र पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कांग्रेस की बैठक पर कहा कि मेरी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए, नेतृत्व पर भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सुनिए मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई कांग्रेस की बैठक पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। कांग्रेस कई मुद्दों पे घेरेगी। देखिए, लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष के लिए चर्चा करने के लिए विधानसभा सबसे श्रेष्ठ मंच होता है। उस सदन के अंदर वो अपनी बात कहेंगे, हम हमारी बात कहेंगे। अगर विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा तो ऐसा लगेगा लोकतंत्र अधूरा, इसलिए उनको उनका हक है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ लोकतंत्र में कि विपक्ष हमारी कमियां निकाले, हमको बताए, आगाह करे कि हाँ ये आपकी कमी है, त्रुटि है। सरकार अपनी अच्छा ही बताएगी, हो सकता है उनकी कोई सकारात्मक कमी हो तो कंसिडर करेंगे, उससे और आगे अच्छा बन करके, क्योंकि सरकार 5 साल चलती और इतने सारे विभागों में सारी बातों को लेकर चलने के लिए सरकार सब प्रकार से सन्नद्ध है अपनी सारी अच्छी बातों को लेकर के। और जनता ने तो उसका प्रमाण दे ही दिया है, 29 की 29 लोकसभा जिस प्रकार से जनता ने जीती है, इसका मतलब जनता हमारे साथ है, भाजपा के साथ है, भाजपा की सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियों के साथ है। मेरी अपनी ओर से विधानसभा के सत्र के साथ साथ आने वाले समय में हम लगभग 5.5 करोड़ पौधों का पौधारोपण का बड़ा अभियान लगा के चलने वाले हैं, जिसमें कई कई नगरों में कोई ने 11 लाख, कोई ने 12 लाख एक एक दिन में लगाने का संकल्प किया। भोपाल में 6 तारीख को 12 लाख पेड़ लगेंगे, 7 तारीख से 14 तारीख तक इंदौर 51 लाख पेड़ लगाने वाले हैं, लगभग 5.5 करोड़ पौधे लगने वाले हैं। माननीय मोदी जी ने एक अभियान चालू किया, हम भी उसका हिस्सेदार बन रहे हैं। एक पेड़ अपनी माँ के नाम, एक पौधा अपनी माँ के नाम, इस अभियान में आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वालों को आह्वान करता हूँ कि वो सब पर्यावरण की इस गंभीरता को समझते हुए अपने माँ से संबंध भी जोड़े, पर्यावरण के प्रति अपना योगदान दें। गोविंदपुरा के मन की बात के कार्यक्रम में मैं स्वयं शामिल हुआ, गोविंदपुरा भोपाल में। इस अवसर पर मंत्री माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे जिलाध्यक्ष सुनील भजौरी जी, मैं माननीय मोदी जी के नई सरकार के गठन के बाद पहली बार मन के कार्यक्रम का उनको बधाई भी देता हूँ। और जैसा कि हमने मोबाइल के माध्यम से जब से उनने प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया, बहुत से नवाचार किए, पूरे देश को, देश की विविधताओं को एक साथ एकजुटता के साथ लाने के लिए और लगातार सकारात्मक माहौल बनाने में मन की बात की बहुत बड़ी भूमिका है। उसी में आज हमने सबने भी देखा कि देश के बाहर योग कैसा होता है। संस्कृत में एक पार्क में भी बात करते तो उसको प्रोत्साहन देने का काम माननीय मोदी जी द्वारा किया जाता है। खेल के मामले में भी माहौल देखा, और मैंने तो अभी सबको रात के वर्ल्ड कप की बधाई दी है। ये कितना अद्भुत मौका है हमारे लिए, हमारे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका, जिसका नाम ही ऐसा लगता है कि वो असंभव को संभव करने वाले लड़ाके हैं, लेकिन हमने उनको उनके हिसाब से जो मैच में जीत हासिल की, कौन सा खिलाड़ी कम पड़ा। सूर्य कुमार ने जो कैच लिया वो कैच जीवन भर सबको याद रहेगा। बॉल बॉल की जगह मैदान में रहेगी, आदमी बाहर जाके अंदर आ जाए। जसमीत से लगा करके हमारे सभी खिलाड़ियों ने, अर्शदीप हो, जसमीत हो, हार्दिक पंड्या हो, विराट कोहली, विराट कुमारी, और अपने विदाई समारोह, मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन की देखिये। कांग्रेस को उनकी अपनी समीक्षा जरूर करना चाहिए, कांग्रेस जिस ढंग से हारी है, मेरी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है। वो अभी विचार करे कि आप 230 विधानसभा में से 207 विधानसभा हारे, तो कुल 23 ही विधानसभा बची है जहां वो टिके, तो अब इससे बढ़कर के और स्थिति क्या होगी। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में केवल एक ही पार्टी जिंदा रहे ऐसा नहीं, कांग्रेस को भी अपनी समीक्षा करना चाहिए। और
मैं समझ सकता हूं कि कांग्रेस को इससे पूरा करने के लिए अभी काफी टाइम लगेगा। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता का दिल जीता है, बूथ बूथ तक हमारी काम की योजना पहुंचाई है और हर बूथ को जिंदा रखते, जैसे मन की बात आज इस बूथ पे मैं स्वयं आया हूं, ये परंपरा कांग्रेस में है नहीं। लेकिन कांग्रेस से कामना करेंगे कि कांग्रेस इसका विचार करेगी, नेतृत्व के मामले में भी कांग्रेस अपने लिए विचार करेगी। देश का उनका नेतृत्व कैसा है, इस नेतृत्व के कारण से कहां तक कांग्रेस सरकार में थी 2014 के पहले और कहां तीसरी बार सरकार से बाहर हो गई। आरोप लगाना सरल है लेकिन सकारात्मक अपने दल का मनोबल बनाए रखने के लिए लोकतंत्र में जनता उनसे अपेक्षा करती है और मैं उम्मीद करता हूं लोकतंत्र में सभी पार्टियां अपनी अपनी समीक्षा कर अपनी भूमिका लगाएंगी।